नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। वंस अगेन एक और डॉग से रिलेटेड वीडियो लेकर आपके लिए हम हाजिर हैं। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉबरमैन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम एनिमल्स एंड पेट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। गाइज, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, डॉबरमैन को गार्ड डॉग, वॉच डॉग और इंटेलिजेंट डॉग की कैटेगरी में रखा जाता है। साथ ही ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग भी है और कई जगह से फास्ट, मस्कुलर, पावरफुल और लॉयल डॉग में सबसे टॉप पर रखा जाता है। गाइज, डॉबरमैन में इतनी खूबी इसीलिए है क्योंकि इस डॉग को कई टॉप की ब्रीड्स को मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि ग्रेट डेन, रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, शॉर्ट हेयर शेफर्ड, इस तरह की और भी ब्रीड्स को मिलाकर इस डॉग को बनाया गया है। कार्ल फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन, इन्होंने ही डॉबरमैन को ब्रीड कराया था, क्योंकि उस समय इनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, क्योंकि ये एक टैक्स कलेक्टर थे। इन्होंने अपने पैसे और खुद की रक्षा करने के लिए डॉबरमैन को ब्रीड कराया था। 1894 में जब कार्ल फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन की डेथ हो गई तो जर्मनी के लोगों ने इस ब्रीड का नाम डॉबरमैन पिश्चर रख दिया। आगे चलकर पिश्चर हटाकर सिर्फ डॉबरमैन के नाम से ही आज ये डॉग जाना जाता है। अगर बात करी जाए हाइट और वेट की, तो ये डिपेंड करता है जेंडर पर। मेल्स की हाइट होती है 26 to 28 inches, फीमेल्स की हाइट होती है 24 to 26 inches। वेट 75 to 100 pounds होता है मेल का, 60 to 90 pounds होता है फीमेल्स का। लाइफ स्पैन इनका होता है 10 to 13 years और कोट इनका शॉर्ट होता है और ये डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। अगर इसके बाइट फोर्स की बात करी जाए तो पिटबुल से काफ़ी ज़्यादा है और रॉटविलर से थोड़ा कम, और ये उनके जितना ही खतरनाक है। पर फिर भी इंडिया में कई जगह रॉटविलर और पिटबुल तो बैन हो गए हैं, पर डॉबरमैन कहीं पर बैन नहीं हुआ है, क्योंकि बेवजह डॉबरमैन ने कहीं पर अभी तक अटैक नहीं करा है। अगर आप अपने घर के लिए एक गार्ड डॉग प्लस फैमिली डॉग ढूंढ रहे हैं तो डॉबरमैन आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इसे ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा इजी है और गार्ड डॉग की एबिलिटी तो इसमें खुद ब खुद ही आ जाती है। डॉबरमैन का कोट काफ़ी शॉर्ट रहता है, तो इसके आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला, ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी में रह सकता है। दूसरा, ग्रूमिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बस प्रॉब्लम ये है, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे इलाके में नहीं रह सकता। इस डॉबरमैन का इतना परफेक्ट होना और इतना लॉयल होना अपने मालिक की तरफ, यही रीज़न है। डॉबरमैन के ऊपर कई मूवीज़ बन चुकी हैं और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने भी अपनी एक एल्बम में डॉबरमैन की फ़ोटो लगाई थी, जो कि उनका खुद का डॉबरमैन है और उन्होंने अपने घर पे दो डॉबरमैन रखे हुए हैं। गाइस, डॉबरमैन पिश्चर को शेर जितना ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अनजान व्यक्ति को ये ज़िंदा नहीं छोड़ता। पर फिर भी गाइस, मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, ये बिना वजह अटैक नहीं करता, ये सिर्फ अपने घर और अपने मालिक की रक्षा करता है। डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इसे एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है, वो भी रोज़। अगर आप इसको रोज़ एक्सरसाइज नहीं कराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। एंड में आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप इस डॉग को पालना चाहते हैं तो जब भी आप इस डॉग को लेके आएँ तो 4 से 6 महीने से बड़ा डॉग ना लेके आएँ। आप ऐसा पपी घर पे लेके आएँ जिसे ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, सोशलाइज़ कराना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। जब आप इसको घर पे लाएँ तो ट्रेनिंग दीजिए और आसपास के लोगों से मिलवाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और आसपास के गायें और कुत्तों से भी आप इसको मिलवाइए, ताकि जब ये बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा ये फ्रेंडली रहे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। आप डॉबरमैन के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।